हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का टॉपिक है असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट वर्ड को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक कंपनी को अपने एम्प्लॉयज से काम करवाना है तो काम को सभी में बांटना होगा, तो इस बांटने की प्रोसेस को ही हम असाइनमेंट कहते हैं। अब टॉपिक आता है हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए, हमने अभी असाइनमेंट वर्ड समझा, काम को बांटना ही असाइनमेंट कहलाता है। पर काम बांटते समय कंपनी को किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम में। देखिए, एक फैक्ट्री है, ये उसका प्रोडक्शन मैनेजर है और ये उसके वर्कर्स। मान लीजिए कंपनी डब्बे पैक करने का काम करती है और उसको ये डब्बे पैक करवाने अपने लेबर से। कंपनी अपने प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाती है कि भाई हमें 100 डब्बे पैक करवाने हैं। प्रोडक्शन मैनेजर तैयार, कि लाइए मैं करवाता हूँ। पर कंपनी एक कंडीशन रखती है कि देखिए, डब्बे तो पैक करवाने हैं पर मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए और मिनिमम टाइम आना चाहिए। यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर फंस जाता है। कारण ये है, एक एम्प्लॉई है, मान लीजिए एक्स, एक एम्प्लॉई है वाई। अब एक्स बहुत अच्छा काम करता है, वाई थोड़ा ढीला काम करता है। अगर सभी को बराबर बराबर डब्बे बांट दिए जाए तो एक्स तो जल्दी काम कर देगा और वाई देर से काम करेगा, तो हमें मिनिमम टाइम तो मिलेगा ही नहीं, और जितना टाइम लेगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो प्रोडक्शन मैनेजर के सामने ये प्रॉब्लम है कि सबकी अलग अलग एफिशिएंसी है, सबकी अलग अलग कार्य क्षमता है, इसी वजह से कोई जल्दी काम करता है, कोई धीरे काम करता है। यही प्रॉब्लम कहलाती है हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब आता है हमारा हंगेरियन मेथड। देखिए, अभी हमने समझा असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, उस असाइनमेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। सोल्यूशन है हंगेरियन मेथड। ये एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि किस एम्प्लॉय को क्या काम देना है या फिर किस मशीन को क्या काम देना है, जिससे कि हमारा मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट आए। इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक जॉब एक व्यक्ति को अलॉट होगी, उसके बाद उस व्यक्ति की एफिशिएंसी एग्जॉस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, हमारे एग्जांपल में मिस्टर एक्स थे, तो मिस्टर एक्स को हमने 50 डब्बे दे दिए, तो 50 डब्बे मिस्टर एक्स की मैक्सिमम एफिशिएंसी है, इससे ज़्यादा वो पैक कर ही नहीं सकता। ये इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है। तो हंगेरियन मेथड ऐसा तरीका बताती है कि एक व्यक्ति को इतना काम अलॉट होता है कि उसकी एफिशिएंसी एग्जॉस्ट हो जाती है, तभी ये मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट निकाल पाता है। अब पढ़ते हैं हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यहाँ तक हमारी थ्योरी खत्म हो गई है, यहाँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो देखिए, असाइनमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मिनिमाइजेशन टाइप और मैक्सिमाइजेशन टाइप। यहाँ पर सिर्फ आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ क्वेश्चन का। इन क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि मिनिमाइजेशन टाइप क्या होता है। देखिए, मिनिमाइजेशन टाइप में कॉस्ट डेटा दिया होता है और मैक्सिमाइजेशन टाइप में सेल डेटा दिया होता है, यानी प्रॉफिट का। मिनिमाइजेशन के अंडर में देखिए, आप पांच स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला रो ऑपरेशन, दूसरा कॉलम, थर्ड ऑप्टिमैलिटी, फोर्थ इम्प्रूवमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और मिनिमम टाइम। इन स्टेप को फॉलो करते हुए हमें मिनिमम टाइम और कॉस्ट मिलता है। यहाँ पर देखिए, मैक्सिमाइजेशन टाइप के अंडर यहाँ पर हमारे छह स्टेप हैं। पहला लॉस मैट्रिक्स बनती है, फिर बाकी पांचों स्टेप सेम है जो हमारा मिनिमाइजेशन टाइप में होता है।